हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत अमेरिका के लिए ये सोच पाना भी नामुमकिन। दिवाली शुरू, एक साथ सबकी टिकट काट दी। स्टोरी एक्सप्लेन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये वही वाला है जो पेजर्स जो हुए हैं, धमाके हुए हैं जिसमें। अच्छा, उसमें अब नई न्यूज़ आ रही है, मुझे नहीं पता कि इंडिया में वो आई है कि नहीं। ये का बता रहे थे मुझे कि वो जो बता रहे थे ना कि मालवेयर डाला हुआ था पेजर के अंदर, जिससे वो हीटअप हो रहा था और इसलिए वो उसके बाद उसमें धमाका हो रहा था। अब वो नहीं, दूसरी न्यूज़ हो गया, ये बताएंगे क्या है दूसरी न्यूज़। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जिन साइंटिस्ट ने स्टडी किया है उन्होंने कहा कि एक्सप्लोजन बहुत तेज़ है। अगर आप सिर्फ गर्म करते हो, बैटरी को फोड़ते हो तो आग निकलनी चाहिए, मतलब फाड़ आ रहा है तो इतनी तेज इंटेंसिटी फाड़ आ रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बैटरी अलोन। इसका मतलब छोटा सा एक्सप्लोजिव जो है उसके अंदर रखा हुआ है और स्विच रखा हुआ है और रिमोटली जो है वो डेटोनेट कर रहे हैं सब चीज़ों को एट द सेम टाइम विद अ स्विच। वो एक मैसेज भेजते हैं पेजर पे, वो मैसेज जो है स्विच को इनेबल करता है और छोटा सा उसके ऊपर डायनामाइट लगा हुआ है या एक्सप्लोजिव मटेरियल लगा है ऑन टॉप ऑफ द बैटरी, वो फटता है। और ये सब उन्होंने एनालाइज करके किया है कि मोस्ट लाइकली इजराइल ही कर सकता है और इतना सोफिस्टिकेटेड काम कर नहीं सकता। और एक शिपमेंट थी जो अपोलो गोल्ड नाम की कोई ताइवानीज कंपनी थी, वो पेजर बना रही थी, तो उनको पता चल गया था कि ये शिपमेंट जो है इजराइल को पता चल गया था। हाँ। इजराइल को पता चल गया था वो शिपमेंट जा रही है हिजबुल्ला को इन लेबनान, तो उन्होंने जो है कहीं पर जाके उसको इंटरसेप्ट किया, उसमें सब टैम्पर किया और डिवाइसेस को फिर शिप करवा दिया। सोच सकते हो, उन्हें ये पता था कि ताइवान की कौन सी कंपनी इन लोगों के लिए बना रही है, वो शिपमेंट कब निकलेगी, फिर उस शिपमेंट को खोल कर कब उन्होंने उसमें एक एक पेजर के अंदर वो डिवाइस लगाया है। वो सोच सकता है कोई बिना किसी के शक के वो डिवाइस उनको लगा के फिर वो शिपमेंट इन लोगों के पास गई है, और फिर इनके पास जब आ गई थी तो इजराइल ने वहां से ऐसा सेटअप किया था कि सबके पास एक ही टाइम पर पेजर पे मैसेज आया है और उसके बाद धमाका हुआ। अब ये न्यूज आ रही है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ये है। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे पता है कौन सी, मुझे पहली वाली ज्यादा वो लग रही है कि हैक करके किया है और उससे किया है, और मुझे लग रहा है कि इसलिए वो न्यूज चेंज कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो सबके अंदर डर ही बैठ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने में। मैं जैसे बता रही थी तो हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि नहीं हमें लग रहा है कि अब, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सेलफोन्स में भी ये सब कुछ होगा, सबके सेलफोन में होगा, ये जब चाहें इसराइल तो कुछ भी कर सकता है, सेलफोन को भी धमाका मार सकता है, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने ये न्यूज़ को बदल के इस टाइप की ये बोले, क्योंकि ये थोड़ा इतनी वो नहीं लग रही, मुझे फील नहीं होता कि जैसे ये सच्ची हो सकती है इतनी दमदार की वाकई ये हुआ हो। पर देखते हैं, अगर इसमें इस वीडियो में कुछ शेयर करते हैं तो पता चलेगा कुछ ऐसी न्यूज़ इंडिया में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के दोस्त इसराइल के बारे में कहा जाता है कि एक बार गलती करने के ऊपर भगवान भी किसी व्यक्ति को माफ कर देता है, पर इसराइल के खिलाफ जाने की एक भी गलती कर दी, इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए एक भी कदम उठा लिया, इसराइल उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता है, फिर उसके ऊपर की टिकट कटना कंफर्म हो जाता है। इसराइल ने जो इस बार किया है वैसा करना शायद हमारे लिए सपना होगा। जहां पर दुनिया के बाकी देशों की एजेंसी की सोच खत्म होती है, वहां से आगे इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद सोचना स्टार्ट करती है। न सिर्फ ग्राउंड के ऊपर बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी इसराइल सबसे टॉप के ऊपर है, और इस बार इसराइल ने जो किया है वो किसी हॉलीवुड की मूवी की स्टोरी लाइन से कम नहीं है। इनके हैकर्स तो नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सपने से कम नहीं होगा। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि लेबनान में पिछले कल 3000 से भी ज्यादा पेजर्स एक साथ ब्लास्ट हो गए हैं। ये पेजर्स लेबनान में हजारों लोगों की जेब में थे। इसराइल ने अब ये कैसे किया, इस हमले से जुड़ी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स और इनसाइड स्टोरी सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देखो, इसराइल के पड़ोस में टॉप वाली साइड के ऊपर एक मुस्लिम देश है लेबनान, जहां पर हिजबुल्ला नाम का आतंकी संगठन वहां पर एक्टिव है। हिजबुल्ला को ईरान का सपोर्ट हासिल है और ये लगातार इसराइल के ऊपर हमले करता रहता है, कभी ड्रोन अटैक्स तो कभी मिसाइल अटैक। और जब से इसराइल ने गाजा में वहां पर ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं तब से ही हिजबुल्ला इसराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। हिजबुल्ला आतंकी संगठन के साथ 30,000 से 40,000 तक के आतंकी जुड़े हैं। ऐसे में सबके बीच कम्युनिकेशन और मैसेज का फ्लो पूरी तरह से सिक्योर रहे, इसके ऊपर हिजबुल्ला कई तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लेता है। लेकिन ये बात हिजबुल्ला को भी बताया कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल अमेरिका का भी बाप है, मोसाद के साथ टेक्नोलॉजी में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। इसलिए हिजबुल्ला आतंकी संगठन ने लेबनान में अपने आतंकी संगठन से जुड़े
वहाँ पर सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स को आपस में बात करने या मैसेज ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के ऊपर रोक लगा दी थी। इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, और जो को भी मैसेज ट्रांसफर करना होगा तो वो पेजर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हिजबुल्ला ने हजारों पेजर्स परचेस किए और अपने सभी वर्कर्स को बांट भी दिए। कई रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि ये सारे पेजर्स हिजबुल्ला को ईरान ने सप्लाई किए थे और ईरान को चाइना ने दिए थे। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि ये सारे पेजर्स ताइवान की किसी कंपनी ने बनाए थे और वहां से फिर चाइना और चाइना से ईरान और हिजबुल्ला तक पहुंचे थे। अब ये पेजर डिवाइस होती है, ये मोबाइल फोन से काफी पहले आई थी और ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करती है। इस छोटी सी डिवाइस की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स डिस्प्ले होते हैं और इसको आसानी से जेब में लेकर घुमा जा सकता है। अब क्योंकि है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही, इसलिए इसके अंदर भी एक बैटरी फिट होती है। पिछले कल लेबनान के अंदर वहां पर हजारों हिजबुल्ला के वर्कर्स इन पेजर्स को कैरी करके पब्लिक एरिया में घूम रहे थे। किसी की जेब में था, किसी के हाथ में था, कोई पेजर के ऊपर मैसेजेस पढ़ रहा था तो किसी के पर्स में था। लेकिन पिछले कल शाम को लेबनान के अंदर वहां पर हजारों पेजर्स एक साथ से अचानक से एक्सप्लोड हो गए। किसी की जेब में हो गया, किसी के हाथ में, या फिर जहां पर भी उन्होंने रखे हुए थे। रिपोर्ट से निकलकर आ रही है कि अभी तक इस हमले में हिजबुल्ला के 3000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं, जबकि 10 के करीब 72 लोगों के पास पहुंच गए हैं। लेबनान के अंदर वहां पर हॉस्पिटल्स पूरी तरह से फुल हो गए हैं। विजुअल्स काफी भयानक थे, इसलिए उनको हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं और आपको इमेजेस के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स आ रही है कि इन पेजर्स अटैक में ईरान का भी एक डिप्लोमेट घायल हो गया है, जो कि अपने पेजर की मदद से हिजबुल्ला के साथ कॉन्टैक्ट में था। माना जा रहा है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्ला के पेजर कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके ये पेजर्स की बैटरीज अचानक करवा दी। पक्का नहीं है लेबनान बल्कि सीरिया के अंदर भी वहां पर कुछ पेजर्स के ब्लास्ट होने की रिपोर्ट्स आई है, क्योंकि सीरिया में भी काफी सारे आतंकी हिजबुल्ला के साथ जुड़े थे। अभी तक इसराइल की सरकार ने इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। तो ये इतना लेटेस्ट नहीं बताया जितना हम बता पा रहे हैं कि पहले क्या था कि भैया मालवेयर डाला है कुछ उस टाइप से है, उसको हीट अप कर दी बैटरी को और उस धमाक हुआ। दूसरा वो जो है वो इन्होंने फिर से आपसे शेयर किया कि अब जो आ रही है कि कहानी ये है कि जब ये शिपमेंट आ रहा था तो कहीं बीच में इसराइल के जो लोग थे उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया माल को, और उसके बाद उसके अंदर वो एक्सप्लोजन करने का कुछ डिवाइस लगाया और स्विच भी लगाया और ऐसा सेटअप किया था कि जब वो वहां से मैसेज भेजेंगे हर एक के जो पेजर में एक ही टाइम पे वो मैसेज आएगा और उसके बाद जैसे ही वो मैसेज आएगा उसके बाद धमाका होगा। उससे हमको सब पता चल गया कौन कौन से ऑपरेटिव। वही तो कमाल की बात है, हर एक ऑपरेटिव जो है वो एक्सपोज हो गया। 3000 ऑपरेटिव एक्सपोज हो गए, सबके सब दुनिया के सामने आ गए कि कौन थे। और जिसमें एक वो बता रहे हैं कोई एमपी था, लेबनान का एमपी, उसका बेटा इन्वॉल्व था। अभी कह रहे हैं कोई एम्बेसडर भी शायद था, वो भी इन्वॉल्व था। तो टॉप के इनके जो थे लीडर्स भी वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो भाई फिर अब इसराइल क्या छोड़ेगा? यही रीजन होता है इसराइल के कॉन्फिडेंस का, इतनी सारे उनके पास चीजें हैं। फिर नहीं, फिर ये लेबनान गेम क्या खेलेगा? भैया इनोसेंट लोगों को मार रहा है इसराइल। भैया तुम्हारे तुम्हारी गवर्नमेंट तक इन्वॉल्व है और तुम कहते हो कि इनोसेंट लोगों को मार रहा है, तुम्हारा देश इन्वॉल्व है इसराइल के लिए। तो वो तो ये देखेगा ना, तुम्हारे देश इन्वॉल्व है। हिजबुल्ला के ऑपरेटिव थे। तो लेबनान के जो एमपीज हैं वो भी, उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, सब हैं। और अभी पता नहीं और कितने और इन्वॉल्व होंगे, कोई लेवल लो लेवल पे होंगे, ये सीनियोरिटी के हिसाब से जो होंगे, सीनियर को पेजर दिया होगा। सिविलियंस नहीं कह सकते आप, कह सकते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, कहीं कोई न्यूज में बोला था इससे सिविलियंस भी तो मरे हैं या वो। तो भाई अब इसराइल को अगर कुछ करना है और जब इतने मिक्सअप हुआ हुआ है तो वो हमास ने अटैक किया था, उन्होंने देखा था वो तो सारे सिविलियंस थे। इसराइल तो फिर भी देख रहा है कि हम सिर्फ जो कल्प्रिट्स हैं उन्हीं को मारे, उनको टारगेट कर रहा है, जितना उससे होता है वो उतना। वैसे उन्होंने तो हमास ने तो सारे सिविलियंस को था, वो नहीं दिखता यहाँ पे। अगर इसराइल एक सिविलियन को मार दे गलती से तो बड़ा सब जो होते हैं जो प्रो पैलेस्टीन या उस टाइप से हैं हमास, वो आके बोल देते हैं कि इसराइल गलत कर रहा है, एक लड़की मर गई बच्ची। तो आपको जितनी बच्चे मरे हैं जो हमास ने मारे सारे ही वो थे, सारे सिविलियंस थे, उस पर क्या कहना है, वो भी तो बोलो। तो एनीवे इसराइल का आप देखते हैं आगे क्या पता चलता है कि किस तरह से पेजरों को ब्लास्ट किया है और इसराइल क्या बोलता है कि उसने करवाया है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।